29 ध्यान देने योग जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें। नंबर 1, यदि आपकी घर में ज़्यादा चींटियां आते हैं तो चूने का पानी छिड़क दे, इसे चींटियां नहीं आएंगे। नंबर 2, प्याज के रस में नारियल मिलाकर थोड़ा 5 मिनट के लिए पकाकर ठंडे करने के बाद छानकर बालों में लगाएं, इससे 2 काम होगा, बाल झड़ना भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा और बाल मजबूत घना भी होगा। नंबर 3, प्लास्टिक के टिफिन में खाना देने से ज़्यादा देर तक रख कर नहीं खाना चाहिए, खाना गंद हो जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 4, प्लास्टिक के डिब्बों में चीनी रखने से चींटियां आ जाती है, डिब्बे के अंदर भी चले जाते हैं, तो आप उनसे 1 सूखी लाल मिर्च रख दे, इसे चींटियां नहीं आएगा। नंबर 5, चावल कभी ख़राब नहीं होगा और ना ही चावल में कीड़े लगेंगे, बस आप उसमें 1 सूती के कपड़े में नमक बांध कर रख दे, इसे कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। नंबर 6, जो व्यक्ति रोजाना भींगे हुए चने का पानी का सेवन करते हैं उन्हें पेशाब में कोई जलन नहीं होता है। नंबर 7, जिन औरतों की नाभि में दर्द होती है उन्हें सरसों तेल में मालिश करना चाहिए, इसे दर्द में आराम मिलता है। नंबर 8, जो औरतें अपनी डाइट में टमाटर शामिल करती हैं उनकी चेहरे लाल नज़र आती हैं। नंबर 9, जो औरतें ग्रीन टी का सेवन करती हैं उनकी चेहरे से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 10, जिन बच्चों को जल्दी बोलना नहीं आता तो उन्हें लौंग और शहद चटाएं, इससे बच्चों का जुबान साफ होगा, ऐसा 2 हफ्ते तक करें। नंबर 11, जो बच्चे को कम सुनाई देता हो तो उस बच्चों के कान में लहसुन सरसों का तेल पकाकर कानों में डालें, इससे साफ सुनाई देगा। नंबर 12, दूध में हल्दी डालकर पीने से कमर दर्द में राहत मिलती है। नंबर 13, रात को नाभि में तेल डालने से ओठ नहीं फटता। नंबर 14, जो रोजाना लस्सी का सेवन करती हैं उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होता। नंबर 15, अगर आपके ओठ काले पड़ जाएं तो रात को सोने से पहले दूध की मलाई अपने ओठ पर लगाएं, इससे आपके ओठ लाल और मुलायम हो जाएंगे। नंबर 16, अगर ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट खराब हो जाए तो 1 चुटकी अजवाइन चबा कर खा लें। नंबर 17, अगर आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबाए रखते हैं तो इससे दांत मजबूत रहेगी और आपको कभी भी लकवा जैसी कोई बीमारी नहीं होगी। नंबर 18, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है तो देसी गाय के शरीर पर हाथ फेरने से 10 दिन में ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। नंबर 19, रोजाना ताजी नीम के पत्ते चबा लेने से शुगर की बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 20, जिन औरतों को चेहरे पर छोटे छोटे तेल की समस्या है तो उनके लिए फूल गोभी का रस निकालकर तिल वाली जगह पर हल्के हाथों से मसाज करने लगाएं, इससे धीरे धीरे तिल खत्म हो जाएंगे। नंबर 21, जो औरत रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवे पर सरसों तेल की मालिश कुछ मिनट तक मालिश करती हैं तो इससे उनको कई बड़ी बीमारी नहीं होगी, साथ ही आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग को ताकत मिलती है, और रात को मालिश करने से नींद भी अच्छी आती है। नंबर 22, अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं तो दांत के नीचे लौंग का तेल लगा लेने से इससे दांत दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 23, जो औरत इलायची दाने का इस्तेमाल करती हैं वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। नंबर 24, कोई भी फल खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे बदहजमी होने का डर रहता है। नंबर 25,
जो औरत बूढ़ी नजर आने लगे वो अनार के रस में दही शामिल करके पी लिया करे, जवान नजर आने लगेंगी। नंबर 26, जो औरत सुबह प्रतिदिन खाली पेट खीरी का सेवन करती हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ती। नंबर 27, जो औरत प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाती हैं उन्हें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और उनके घुटने और रीढ़ की हड्डियां स्वस्थ रहती है। नंबर 28, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को खट्टी चीज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 29, जो औरत को शारीरिक और मानसिक समस्या होती है उन्हें फ्रिज की ठंडी चीज़ों को ज़्यादा सेवन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।